बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर इहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने लगी हूँ जो बहुत ही आसान है और जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला जो लोग तंगदस्त हैं या ज़रूरतमंद हैं उनकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये अमल सिर्फ एक साल भी कर लेते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो अल्लाह पाक उनका रिस्क इतना फराह कर देगा कि वो खुद ही हैरान रह जाएंगे। और ये एक ऐसा अमल है जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरे दिन ही असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे और फिर आपका जिंदगी भर इस अमल को छोड़ने को दिल नहीं करेगा। गुज़िश्ता दौर के सहाबा और अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और औलिया कराम की जिंदगी में बरकत थी। जहां अमाल साले थे वहां पे बरकत वाली थैली भी इनकी साथी थी। आपने क्या करना है कि एक थैली आप घर में सी लें और उसमें अपनी तमाम रकम रख दें और उस पर सुबह शाम आपने अव्वल और आखिर 7-7 बार दुरूद शरीफ के साथ 129 बार सूरह कौसर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़कर उस थैली पर आपने दम करना है और इस रकम को आपने बार बार नहीं गिनना। जब आप दम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें अल्लाह पाक ऐसी बरकत डालेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। जब भी आपने थैली में से पैसे निकालने हैं या रखने हैं या किसी को देने हैं या किसी से लेने हैं, आपने सिर्फ एक बार सूरह कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ लिया करनी है। मर्द अपने साथ ये थैली रख सकते हैं, औरतें अपने पर्स में रख सकती हैं, आप ये थैली घर में भी रख सकते हैं। एक साहब बताते हैं कि हकीम तारिक साहब, एक वो वक्त था जब हम कुसुम पुरसी की हालत में थे, महीनों हमारे घर गोश्त नहीं पकता था, गैर मुतवाजन गिजा खाकर बच्चे सूख गए थे, अजीज़ो अकरबा ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। अबकरी में ये अमल शाया हुआ, मैंने करना शुरू कर दिया। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकतों शफकतों और इनायतों के दरवाजे खोल दिए। अमल की बरकत से रिस्क में कसरत और बरकत है। इस वक्त हमारे घर में एसी, कंप्यूटर, मोबाइल्स, इंटरनेट, यूपीएस, मोटरसाइकिल, सोने के लिए शानदार डबल बेड और इलेक्ट्रॉनिक्स की बेशुमार चीज़ें जिनसे पहले हम महरूम और एहसास कमतरी का शिकार थे मौजूद हैं। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और हमारा तमाम कर्ज भी उतर चुका है। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।